मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के गिधेर गांव में भटक रहे लगभग 5 फुट लंबे मगरमच्छ को वन विभाग ने देर रात एक ऑपरेशन में पकड़ लिया। मगरमच्छ को सोन अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि बरगवा वन परिक्षेत्र के गिधेर गांव किसानों ने धान के खेत में मगरमच्छ को देखा, जिसके बाद स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। वन विभाग तुरंत घटना के बारे में सतर्क हो गया। सोन अभ्यारण टीम से संपर्क कर बचाव अभियान चलाने में उनकी विशेषज्ञ सहायता के लिए कहा। सोन अभ्यारण की टीम ने सिंगरौली जिले के बरगवा क्षेत्र में स्थान तक पहुंचने के लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय की। इस बीच मगरमच्छ की एक झलक पाने के लिए खेत के चारों ओर भीड़ जमा हो गई थी। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि लोगों और मगरमच्छ के बीच एक सुरक्षित दूरी बनी रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की टीम ने बचाव अभियान को सुरक्षित रूप से अंजाम दिया। आवश्यक उपकरण लेकर अच्छी तैयारी के साथ आए थे। 6 घंटे रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से पकड़कर सोन अभ्यारण्य क्षेत्र में सोन नदी में छोड़ दिया गया। वन विभाग के DFO मधुराज ने कहा कि मगरमच्छ जैसे बड़े व शक्तिशाली जानवरों से निपटने के दौरान हमारे बचाव दल को किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। यह आवश्यक है कि हम जंगली जानवरों की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहें। हम मानव और जानवरों की संघर्ष स्थितियों को कम करने में वन विभाग और राज्य सरकार की सहायता करके प्रसन्न हैं। बचाव सफल रहा और हम मगरमच्छ को उसके प्राकृतिक आवास में लौटते हुए देखकर खुश हैं।